चलो फिर मैं मंदिर मेन मंदिर है ना विरास। हाँ देख सकते हो श्रद्धालु लोग अभी भी आ रहे हैं, मास्क में रखे हैं। बजा पे का बजा जा चला के मैं आग से बजाऊं। ठीक है ठीक है आइए बंद आगे चलते हैं चला के जाते हैं। चरण पादुका रखा है बाबा जी को प्रसाद से प्रसाद बाबा जी की चरण पादुका रखा है। हाँ प्रसाद देने में कुछ चढ़ा दे मैंने अभी हम नारियल नहीं चढ़ाते नारियल लेने मिलेगा जा रहे नारियल लेने नारियल लाना भूल गए तो गुरैया जी बाजार से देख सको तो माथा यहाँ पे जैसे नारियल फोड़ने का काम चल रहा है देख सकते हो। जिस जिसको प्रसाद लेने ले जाना है खुद अपना नारियल फोड़ के यहाँ से ले जाते हैं चढ़ा के। और अभी चलिए मंदिर परिसर और अभी ऊपर जा रहे हैं वहाँ भी बाबा जी का ही मंदिर है ना पूरा बाबा वहाँ पे मतलब मूर्ति का बाबा जी के नहीं मूर्ति पूजा तो यहाँ हुआ नहीं। अच्छा मूर्ति पूजा तो प्रथा है ही नहीं ना तस्वीर है साफ मना कर मूर्ति पूजा फोटो पूजा कुछ करना ही नहीं वाला घंटी में अच्छा है मूर्ति यहाँ पे बाबा जी के आसन रखा है ज्योति कलश जा रहा है बाबा जी का आसन के सामने तो मंदिर के फूल भी ले लेते हैं डिजर्ट ले मंदिर के ये सोचा का हाँ वे वही क्या था यही सोचा वो है ना अच्छा भी लगी मस्त मंदिर है यार तो देख सकते हो ये मंदिर है इस तरफ है छोटी मंदिर ठीक है जैत खाम जोड़ा जैत खाम लगा इधर से अपन आए थे इस तरफ से और जस्ट उसी के सामने बड़ा मंदिर है यहाँ पे बाबा जी का ही मंदिर है वहाँ भी बाबा जी का चरण पादुका और आसन रखा है ठीक है अभी दर्शन करके आ चुके हैं विनसवर में और इधर आप नीचे उतरोगे ना तो और छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पे समाधि बनी हुई है बाबा जी की। अच्छा अब यहाँ जाता यहाँ का है बाबा जी के छोटे से मंदिर बना सब बलदानी मंदिर है बाबा जी के आसन गद्दी लगे हैं। अच्छा आसन गद्दी है यहाँ भी। हाँ बलदानी मंदिर ना बलदानी मंदिर मन्नत मंदिर है। अच्छा मन्नत मांगते थे मन ही आते पलना वाले और वो सुभद्रा माता को जीवित करके वहाँ बैठा रहे थे वो चीज़ है सुभद्रा माता सफरा माता है ना। हाँ वहाँ पे धुनी मंदिर अच्छा मंदिर रमन सिंह बनवाया है जो रखा है। अच्छा चलो ठीक है जानकारी मिल गई। ये जो रायपुर से आए ये बलदानी मंदिर है जो मन्नत मांगते हो वो वाला ये मंदिर है बाबा जी का चरण पादुका रखा है और आसन रखा है यहाँ पे मंदिर जैसे दिख रहा होगा। और हर मंदिर में घड़ी रखी थी ना हर मंदिर में देखा तो मतलब घड़ी रखा है हुआ सब मंदिर में। और ये वाला सफरा माता वाला मंदिर ना है ना वे वाला अरे पास से देखते हैं सफरा माता मंदिर है सफरा माता का आसन वाला मंदिर है ना जहाँ जीवित के थे ऐसे बोलते थे। हाँ अमृत जाके तो ये जो है अमरदास जी का मंदिर है जिसको रमन सिंह ने बनाया था सब बाबा जी बता रहे थे क्योंकि उसी के सामने तीन मंदिर जो है लाइन से लगी है इधर से आप देखोगे तो इधर बाबा जी का पलना रखा रहता है पहले मंदिर में दूसरा होता है बलदानी मंदिर जिसमें मन्नत मांगने के लिए आते हैं ठीक है इसमें आसन रखा होता है बाबा जी का और तीसरा मंदिर जो है ना वो सफरा माता का मंदिर है कहते हैं कि बाबा जी ने सफरा माता को जीवित किया था अमृत हाँ अमृत देकर तो उसी का प्रमाण हेतु ना यहाँ पे उनका आसन वाला मंदिर बनाया है। और ठीक इसी के पीछे औरा और धौरा पेड़ है जहाँ पे धूनी लगाया था ना बाबा जी ने आइए उसको भी देखते हैं।
बाबा जी एक हम बारे में बताऊंगा समाधि के बारे में का जो हवा है घर बारे में बताऊंगा मान्यता के बारे में। बाबा जी यहाँ किस किस प्रकार से मंदिर रखे बाबा जी है यही में धुनी जला रहे से यही में बैठ के बैठ के ध्यान लग रहे सब में। अच्छा ये पेड़ पेड़ ही है ना पीछे वाला भी नो है कहाँ पेड़ है तेंदू तेंदू पेड़ है दोनों। अच्छा तो जो कहा बोलते हैं औरा पेड़ गिर गए ना धौरा पेड़ मन बसा हुआ अभी ये नया पेड़ है धुनी हवा मतलब वो समझ नहीं आती किसी तरह की धुनी जला रहे से आग भी जला रहे। अच्छा मतलब बिना कुछ चीज़ के यूज करे बिना अपने अपन। अच्छा वही है ना तो बिना अग्नि वग्नि के बिना कुछ चीज़ के यूज करे ना अपने आप चलो तो अग्नि जो है प्रकट कर रही से बाबा जी है अपन शक्ति से है ना बिना कुछ उपाय करे बिना कुछ चीज़ के एकर से ऊपर समाधि के रूप में बने ठीक है बाबा बताया था। और यहाँ पे हमारा पेड़ तो नहीं है धौरा पेड़ मन बस रखा है देखो ये धौरा पेड़ बसा हुआ एक पेड़ है एक पेड़ है और पेड़ नहीं है बोलते बाबा जी है। आप चरण कुंड अमृत कुंड यहीं से जाएंगे हाँ।